Ready for the next one? Nikhil and his team of roadies. मैंने खुद बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल शोज किए हैं, तो मुझे पता था कि एक ऑडियंस से कनेक्ट करने का तरीका सिर्फ डांसिंग या तुम जो बोलते हो उससे नहीं होता. देयर आर अ लॉट अदर थिंग्स दैट गोज इन द कोरियोग्राफर्स हेड. जो हम स्टोरी लाइन यहाँ पे कर रहे हैं, इसका कनेक्शन ऋषिकेश से भी है, क्योंकि ऋषिकेश 10 साल पहले बहुत ही पोल्यूटेड हुआ करता था यहाँ. इसलिए मैंने इसका ये आइडिया के बारे में सोचा था कि गंगा और पवित्र जो पहले हुआ करता था यहाँ पे, और फिर मैन ह्यूमन बींग्स के पास वो चॉइस है कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन या तो बढ़ाए या गंगा और पवित्र को बचाए. दैट इज सो गुड. सो दैट्स द अंडरलाइंग. पीपल बहुत कनेक्ट करेंगे इस आइडिया से. ये आइडिया सुनते ही आई वॉज ब्लोन अवे. आई वॉज लाइक दिस इज इट फॉर अ टास्क दैट नीड्स ऑडियंस अप्रिसिएशन. इससे बेटर कोई आइडिया हो ही नहीं सकता. उन्होंने अपना आइडिया बताया और बाकी का काम मेरे ऊपर था कि किस तरह से मैं उसको एक क्रिएटिव तरीके से अप्लाई करूँ. अब क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट टास्क है, डांस टास्क है, तो हमें सॉन्ग्स डिसाइड करने जरूरी है. कहाँ गया हमारा ओप्पो F15 फोन? यस, लेट्स पिक सम म्यूजिक. निखिल सर की बहुत दूसरी साइड देखी. He's a very fun guy. We will know that. Big chill. इतने चिल हो गए थे हम, इतने मस्त हो गए थे उस एक मोमेंट पे रिहर्सल्स के. पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब कुछ नहीं था, हम सब एक थे उस रिहर्सल में. हम इतना कंफर्टेबल और चिल हो गए थे कि हम मस्ती करते करते ओप्पो F15 के 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा से हम लोगों ने बहुत सारी सेल्फीज ली. सबसे खतरनाक ड्रेस मुझे लग रही थी निखिल सर की टीम की. मेरे तो तोते उड़ गए. इनकी कॉस्ट्यूम्स ही ऐसी है तो परफॉर्मेंस क्या होने वाला है. I've never danced or tried to entertain so many people at like a location like that. I was very nervous, but because of Narushi, I was so confident. I was like, I'm going to do this. I'm going to perform, give it my best shot. Namaste, Rishikesh. कैसे हो आप? ये मेरा टीम है और इसको थोड़ा माफ करना है, इसकी हिंदी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इंडिया से नहीं है, मगर सुनने में आपको बहुत मजा आएगा. हमने एक छोटा सा परफॉर्मेंस तैयार किया है जो ऋषिकेश से बहुत जुड़ा हुआ है. सुनने को आया है कि यहाँ पे प्लास्टिक के साथ बहुत प्रॉब्लम हो गया था और पिछले 10 सालों में आपने काफी प्रगति की है यहाँ पे प्लास्टिक को गंगा से हटाने के लिए. तो हमारा जो प्ले है इसी के बारे में है. ये है गंगा, ये है पवित्र, ये है इंसान और हम हैं थोड़ा वो प्लास्टिक के चीजें. तो जरा परफॉर्मेंस देखिए और एंजॉय किए. अगर आपको अच्छा लगा तो तालियां बजाइए. खेड़ा स्वैग सूट पट्टे आला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक ओ मुंडे होके पर दे तेनू तक तक के नीचे जदो हाथ तू लाके उते रख के मैं हूँ इंसान जो आज धरती पे आया हूँ. केविन का सिर्फ एक काम था, वो था बोलना वाओ. पवित्र, गंगा, कुदरत, वाओ, वाओ, वाओ. उन्होंने वो अपना वाओ वर्ड यूज किया तो जो अभी तक ऑडियंस
किसी और टीम से कनेक्ट नहीं होती और उनकी एनर्जी लेवल कहीं यहाँ चल रही थी, हमारे स्टार परफॉर्मर की वजह से वो एनर्जी यहाँ पहुंच चुकी थी। आ जा मेरा दोस्त, आ जा देख लो कितना खूबसूरत है ये लोग। धरती और कुदरत, गंगा और पवित्र, फुल चुलबुल पांडे स्टाइल में हम सबकी एंट्री होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बिल्कुल सही जगह से सही ढंग पे बैठता है। निखिल सर ने फ्लिप मारी है भाई। कहते ना कि इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, वो तो अपने कंफर्ट जोन से जंप करके पता नहीं कहां ही पहुंच गए थे। जानना चाहते हो कि हम सब कौन हैं? क्या आप जानना चाहते हो? आला पाला कौन पाला, किसमें दम है सबसे ज्यादा? मेरा नाम अपन लोगों ने जंगल खराब किया, अपन लोगों ने नदी खराब किया, क्योंकि हम हैं और बाकी पानी कम है। लाए हैं हम अपन लोगों के दोस्तों को, बुलाएं क्या? बुला ले। और घर में अम्मी है, इंडिया के हर हर कोने में हम भी हैं। कौन है तू? मेरा नाम है प्लास्टिक बोतल। प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल। और अगले आएगा हमारा मामा। वाह क्या बात है। अमर, मुझे फाड़ दो, गाड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अमर हूँ। मेरा नाम है प्लास्टिक की थैली। सब में हर जगह फैली। सबसे ज्यादा मजा आई थिंक सबको निखिल सर को देख के आया। बिल्कुल कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इतना क्रेजी परफॉर्म कर जाएंगे। इतने फनी लग रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरा गार्बेज बैग होता है उन्होंने पूरा पहन लिया, हिलेरियस था। अरे अरे देखो तो कौन जा रहा है। बहुत साफ लग रहा है, थोड़ा गंदा फैला दे क्या? कुछ तो गंदगी करने का यहाँ पे है। हम इतने गंदे हो चुके हैं कि अब हमें कौन साफ करेगा? कोई है कोई इंसान? है कोई? एक और बार स्लो मोशन के लिए जाएंगे।
अभी अभी पवित्र गंगा के लिए हमारा एक आखिरी डांस। हवा तेज हो गई थी, बारिश हो रही थी, स्टेज स्लिपरी हो गया था, बट देन हमने देखा कि ऑडियंस वाले हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से, वो बैठे हुए हैं, तो हमारा भी मोराल बूस्ट हुआ कि यू नो अब चाहे हम फिसले, चाहे कुछ हो, चाहे ठंड लगे, डजंट मैटर, हमें बस अमेजिंगली परफॉर्म कर रहे हैं। Audience went mad. The leaders stood up and they started dancing with us. The kids in the audience started dancing with us. और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि ये कॉम्पिटिशन नहीं, ये एक फेस्टिवल है जहाँ पे हर कोई इंजॉय कर रहा है. Arushi and I shared a very different bond. I really liked the way she held herself during the entertainment task. होली का माहौल जमा दिया त्रिवेणी घाट पे, सब इतने खुशी में रंग उड़ा रहे थे, पानी गिर रहा था, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। जो हम पॉइंट करने करना चाहते थे प्लास्टिक वेस्ट का, वो इस हंसी मजाक में इतनी डायरेक्टली ऑडियंस तक कन्वे हो गया, सबको समझ भी आया, बहुत लाउड एंड क्लियर था हमारा मैसेज। हमारा सिर्फ एक एक नारा बचा हुआ है जो प्लास्टिक के खिलाफ है। क्या आप हमारा साथ देंगे इसमें? yes! आंखें खोलो, सोच को बदलो, प्लास्टिक छोड़ो। आंखें खोलो, सोच को बदलो, प्लास्टिक छोड़ो। आंखें खोलो, सोच को बदलो, प्लास्टिक छोड़ो। वहाँ बैठा हुआ हर एक एक इंसान हमारी बात सुन रहा था, तो इन टोटैलिटी हमारा एंटरटेनमेंट वाज अ टिक, डांस वाज अ शो शॉट हिट, एंड हमारा मैसेज वेंट अक्रॉस टू एवरीबॉडी। द लास्ट थिंग बिफोर वी गो, ऑन द काउंट ऑफ थ्री सब लोग बोलेंगे वाओ, रेडी, 1 2 3। जनरली लोग कहते हैं वाओ सैफ अली खान करते हैं, पर अब लोग कहेंगे कि ये वाओ करता है नॉन अदर देन केविन। इन टोटल बड़ा ही वाओ परफॉर्मेंस निकला हमारा।